आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश महाजन। लग्नेज का वारों बापों में क्या प्रभाव होता है? लग्नेज हमारी जन्म कुंडली में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जिस घर में बैठता है उस घर के गुणों में बढ़ोतरी का देता है। लग्नेश जब लगन में ही होता है ऐसा जातक अच्छी सेहत वाला, सुंदर दिखने वाला और जिंदगी में तरक्की प्राप्त करने वाला। यदि लग्नेश द्वितीय भाव में हो तो जय समय नायक द्वितीय भाव हमें क्या दर्शाता है? ऐसा जातक धनवान, फाइनेंस में कामयाब, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर में कामयाब हो सकता है। ऐसा जातक बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, स्पीकर, डिबेटर। यदि आपका लग्नेश थर्ड हाउस के साथ इसका संबंध बन गया, ऐसा जातक अपने पराक्रम के द्वारा अपना तकदीर लिखता है। ऐसे जातकों को टूर एंड ट्रैवलिंग से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ऐसा जातक मीडिया में धमाल करने वाला होता है। यदि लग्नेश का संबंध चतुर्थ भाव से बन जाए तो ऐसा जातक हीलर हो सकता है। चौथा घर पब्लिक को भी दर्शाता है, कुशल राजनेता बन सकता है, हीलर बन सकता है, एक कामयाब प्रॉपर्टी डीलर्स, रियल स्टेट का काम चलाने बन सकता है। यदि लग्नेश का संबंध पंचम भाव से बन जाए ऐसा जातक बहुत ही क्रिएटिव होता है, बहुत बढ़िया आर्टिस्ट, बहुत बढ़िया पढ़ाई में अब्बल कोई आईएएस ऑफिसर बन सकता है। यदि लग्नेश का संबंध सिक्स्थ हाउस में हो जाए और लग्नेश अच्छी अवस्था में हो तो ऐसा जातक अच्छा एक स्पिरिचुअल लीडर, एक मोटिवेटर, एक डॉक्टर, हीलर बन सकता है। यदि जय अच्छी अवस्था में ना हो तो ऐसे जातकों को सेहत संबंधी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। यदि लग्नेश सप्तम भाव में हो तो ऐसा जातक को अपनी पत्नी से काफ़ी उसे नेगोशिएशन करनी पड़ती हैं, पत्नी के साथ प्रायः स्ट्रगल करना पड़ता है और एक अच्छा कुशल वक्ता करता है। यदि लग्नेश का संबंध अष्टम भाव से है इनकी जिंदगी में इनका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है, इन्हें प्रायः अर्ली स्टेज में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, कोई अचानक कोई वसीयत मिल सकती है। ये जातक ओकल्ट साइंस की ओर काफ़ी अग्रसर हो सकते हैं, अध्यात्म की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ये लोग इनके पास गुप्त रहस्य में कोई कला हो सकती है। यदि आपके लग्नेश नाइन्थ हाउस के साथ हो गया ऐसे जातक हायर लर्नर हो सकते हैं, विदेश में कामयाब हो सकते हैं, इन्हें अपने नेटिव लैंड से दूर कामयाबी मिलती है। तो ऐसे जातक धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, काफ़ी किस्मत वाले होते हैं। यदि लग्नेश का संबंध टेंथ हाउस से हो गया ऐसे लोगों को कर्म के द्वारा, टेंथ हाउस में लग्नेश का होना जो सबसे बढ़िया योग है, अपनी मेहनत के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा इतिहास लिखते हैं। इनका भाग्य उदय प्रायः विदेश में होता है। लग्नेश का संबंध इलेवेंथ हाउस में होने पर ऐसा जातक धन के मामले में बहुत ही लकी होते हैं, इनका सोशल सर्कल काफ़ी रहता है, ये भी अति उत्तम योग है। यदि आपके लग्नेश का संबंध ट्वेल्थ हाउस से हो गया तो ऐसे जातक
प्रायः सेहत ठीक रहती है। ऐसे जातक प्रायः विदेश में कामयाब होते हैं। ऐसे जातकों को प्रायः संघर्ष काफ़ी करना पड़ता है। ऐसे जातक के अंदर इंट्यूशंस काफ़ी होते हैं। ऐसे लाल जातक स्पिरिचुअल धार्मिक किस्म के इंसान हो सकते हैं। धन्यवाद।